Cause I can fly, I can fly, I can fly, yeah. I can fly. फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं क्या कोयल व्यू पॉइंट के पास। तो फाइनली अपन का सनराइज़ दिखा ही नहीं। तो अभी मैं हूँ जिस प्लेस पे जहाँ पर बहुत ही फेमस वैसा वीडियो शूट होता है। मेरे सामने बल्लू ब्रो, कैसा मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं यहाँ के? एकदम बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना एकदम। तो अभी फोटो सेशन हो रहा है, मस्त सुहाना है, मस्त पीछे है गौतम, फोटोग्राफर बन जाता। अरे ऐसा लग रहा है कि हम लोग दार्जिलिंग में है ना। हाँ। दार्जिलिंग या मनाली, और हम यहाँ आसमान की ऊंचाई में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। तो इधर अपना टीम लोग है और उसके आगे भी कुछ बोलता है ना सर। It's hard for me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard 'cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on 'cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you. Oh,
बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर, ऐसा फील हो रहा ना, ऐसा लग रहा है दार्जिलिंग में अपन यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं। तो ये कुछ दृश्य क्या मस्त है, ये पेड़ क्या मज़ा आ रहा है, नेतरहाट इसका वाइब ही कुछ और है। तो वीडियो देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, एंड मतलब जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए, और डू विजिट नेतरहाट, जितने भी सारे पॉइंट्स हैं एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। अगर जो नहीं आए तो प्लीज़ विजिट करो, यहाँ का मज़ा लो। कभी कभी क्या होता है कि बादल होने पर सनसेट सनराइज़ नहीं हो पाता है। चलते हैं और वीडियो बनाते हैं। तो अभी अपन यहाँ पर आए हुए चाय पीने के लिए, तो मेरे सामने जस्ट ये मार्केट है, तो यहाँ पर अभी सभी हम लोग अपना ग्रुप चाय पियेंगे, आफ्टर देन फिर लोथ फॉल के लिए चलेंगे। तो ये साइन बोर्ड है यहाँ सारा, ऑल डायरेक्शन दिया हुआ, तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस सारे पास चल जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको बता देते हैं, एक्चुअली इस जगह पर अगर ट्रैवलिंग करना तो कौन कौन सा पॉइंट्स आपके लिए बेटर रहेगा। तो फर्स्ट में है मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट, ओके, एंड इसके बाद है लोअर घाघरी वाटरफॉल है, एंड फिर बाद में इसके बाद आपका पड़ता है अपर घाघरी पियर ऑर्चार्ड ओके, कोयल व्यू पॉइंट है, एंड फिर नेतरहाट लेक है, आपका फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है, नेतरहाट सनराइज पॉइंट है, एंड फिर क्या है, नेतरहाट कैंपिंग साइट है, डाक बंगला जिसको देखना देख सकता है, एंड चैलेट हाउस, नेतरहाट फील्ड है, नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल है, नेतरहाट ऑडिटोरियम है। तो अभी स्कूल में भी शायद एग्जामिनेशन हो रहा है, तो अभी स्कूल ओपन नहीं रहेगा। तो मेरे सामने वन ऑफ द फेमस गेट जहाँ से अभी एंट्री करते हैं नेतरहाट, ये एक्चुअली नेतरहाट मार्केट है। तो अभी सुबह के लगभग 8 बजे कुछ चाय स्टॉल ओपन है यहाँ पर। तो जो मेन मार्केट है यहीं पर सामान मिलता है खाने पीने का, और टोटल चिकन मटन जिसको खाना है वो सारा यहाँ मिल जाएगा, एंड बस यहाँ पर अपना प्राइवेट व्हीकल्स लाओ, होटल बुकिंग करो पहले एडवांस क्या बोलेंगे जिससे बुक करना है वो कॉल करके बुकिंग करें, या फिर ऑनलाइन में अगर अवेलेबल है तो प्लीज़ साइट पे चेक कर लेना, या फिर किसी का कॉन्टेक्ट के थ्रू, या फिर यहाँ पर आओगे तो वीकेंड में कोशिश करना कि बहुत रश होता है, मैं भी होटल जल्दी ना मिले तो कोशिश करके सबसे पहले होटल ले, होटल लेने के बाद यहाँ पर आके मस्ती करें। अरे मेरे को तो भी ब्लॉग में लीजिए यार, तो मेरे पीछे मेरे है को भी ब्लॉग में आना है, अंशु है। चलो अंशु कैसा लगा अभी नेतरहाट? बहुत मजा आया, इतना मजा आया बिड़ू ना गौतम ब्रो, भैया को देखिए यूट्यूब में। अच्छा हाँ भैया को यूट्यूब में देखे, हमको जाना जाना लग रहा है। कैसा लगा नेतरहाट? नहीं आपको आपको मेरे को जाना जाना लग रहा है, आपका चैनल का नाम धन्यवाद। उम्मीद तो किए थे कि सूरज अगर उगेगा तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन जो मतलब मेन चीज देखने आए थे वो आकर्षण का केंद्र मिला नहीं, तो ठीक है जैसे तैसे गुजरा, अच्छा लगा, मजा आया, सब ग्रुप में रहते हैं तो लोग अच्छे ही लगता है। हमको तो अभी भी मजा आ रहा है, पता नहीं कहा है, यहाँ का अभी मजा आ रहा है और मजा करते रहेंगे जब तक। हवा में मजा ही पन है, कल तो और मजा आया भाई, कल तो अलग वाला मजा था। यहाँ के हवाओं में कुछ अलग ही महक है, उस महक का फील होता है, उस महक का हम डेफिनेशन दे नहीं सकते। ओवरऑल पीस पीस
दिखाना भूल गया था कि हम लोग कहाँ पर स्टे किए थे। ये है नेतरहाट स्कूल का क्वार्टर, तो यहीं पर भैया रहता है जो नेतरहाट स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर है। तो ये जगह कुछ इस तरह का, तो यहाँ कुछ स्पेस खूबसूरत जस्ट नेतरहाट स्कूल के सामने ही है ये क्वार्टर है। और बहुत ही अच्छा लगा भैया से मिल के, एंड उनका वेलकम भी बहुत मज़ा आया, एंड प्लेस तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक्स में, नेक्स्ट ब्लॉक्स नहीं, अभी और दिखाना। तो ये वीडियो में भी पार्ट वन पार्ट टू करके डिवाइड करेंगे, तो प्लीज मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज पूरा वीडियो देखो, तब मज़ा आएगा देखने में, बहुत मज़ा आएगा। It's hard for me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard 'cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on 'cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. तो वेल गाइस, अभी अपन पहुंचे हैं नेतरहाट का लेक। तो मेरे पीछे ये लेक, यू कैन सी दैट। तो ये लेक के सामने आप देख सकते हो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आने वाला कुछ महीनों के बाद ये सारा कंप्लीट होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये एक्चुअली लेक व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है, जहाँ से मतलब आप लेक का शाम को बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप ले देख सकते हो। तो कुछ कुछ पॉइंट्स बना दिया गया है, ये हो गया छोटा सा, और इधर कुछ मैं भी शायद कैंटीन बना रहा है और बैठने के लिए रेस्ट हाउस जैसा। तो यहाँ पर आओ, विजिट करो। एंड आज तो खैर हम लोग को लोधपुर कैंसिल हो गया, तो आज हम लोग लोधपुर नहीं जाएंगे, अभी जा रहे हैं लोअर घाघरी, एंड वहीं देखते हैं कुछ चिल मारेंगे, मस्ती करेंगे और फ्रेंड लोग साथ मस्ती करेंगे। चलते हैं लोअर घाघरी, लोधपुर कैंसिल, कभी कभी आएंगे तो फिर लोधपुर मस्त मस्ती करेंगे।